बेलवा में सेना की तैयारी कर रहे युवक की गला दबाकर हत्या। मंगलवार दोपहर घर से था लापता। घर से 300 मीटर की दूरी पर सरसों के खेत में मिला शव। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। बालू छापर ओपी क्षेत्र के बेलवा गांव में एक 23 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव उसके घर से करीब 300 मीटर दूरी पर स्थित एक बगीचे के बगल में स्थित सरसों के खेत से बुधवार की सुबह बरामद की गई है। मृतक युवक की पहचान बेलवा गांव निवासी श्रीकांत कुमार के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर गला दबाने का निशान पाया गया है, जबकि उसके दाहिने कान में खून लगा था और उसकी चप्पल घटनास्थल पर ही पड़ी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का सही जानकारी पता चल सकता है। अभी तक इस संबंध में परिजनों द्वारा FIR दर्ज करा दी गई है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें चले कि मृतक के पिता होमगार्ड के जवान है, वह बानू छापर ओपी में तैनात है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। श्रीकांत कुमार ने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। मृतक की बहन सोनी कुमारी ने बताया कि उसका भाई श्रीकांत कुमार मंगलवार की दोपहर घर से निकला था, शाम तक घर नहीं लौटा। खोजबीन की गई तो पिछले 2 माह से उनके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। कानूनी संघ न्यूज के लिए संवाददाता समर कुमार दत्ता की खास रिपोर्ट बेतिया से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी संघ न्यूज। इस समय हम पहुंच चुके हैं बेतिया जिले के बेलवा गांव में, और बेलवा गांव में अभी कार्यरत होमगार्ड के जवान बानू छप्पर ओपी में है। उन्हीं के पुत्र के साथ एक यहाँ बहुत बड़ी अनहोनी हो चुका है, जिसकी घटना कल सुबह बेलवा गांव से करीब 300 मीटर दूरी में यहाँ सरसों के गैस खेत से उनकी लाश के बरामद हो चुकी है। और जो वो दिल दहलाने की बात है, एक तरफ यहाँ मातम छाए हुए हैं बेलवा गांव में, और मेरे साथ यहाँ उन्हीं के पिताजी जो बानू छप्पर ओपी में यहाँ होमगार्ड के जवान में तैनात हैं, और उन्हीं के पुत्र के साथ यह हादसा हो चुका है। मैं उन्हीं से मिलेंगे, और आप देख सकते हैं ये घर जो है, ये घर उन्हीं का है, और उनके 3 पुत्र थे जिसमें ये मझिले पुत्र है, और जानेंगे सिपाही जी थे। ये गांव है बेलवा गांव, तो मेरे साथ मृतक के पिताजी हैं, और जानेंगे ये घटना किस तरह का घटा हुआ है, और अभी तक प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई किए हैं, और आगे क्या होंगे, किस तरह हुआ है ये तो अब जानकारी नहीं है कि किस तरह हुआ। मतलब आपको कैसा सूचना मिला कि जैसा सूचना मिला कि हम लोग वहाँ ड्यूटी में जाने वाले थे वोट के, मतलब वहाँ मतलब 6:30 के लपेट में फोन गया वहाँ, तो हम वहाँ से आए देखे तो वहाँ सरसों के खेत में पूरा लोग उसी से मालूम हुआ। अब जानकारी कितने बजे मिले है कल? कल लमसम 6:30 भोर में। तो इस पर विवाद है, FIR हो चुका है, कहाँ पर कर गया है? अभी तक कोई कार्रवाई हुआ कि कार्रवाई हो रहा है? आपको पहले से कोई शंका था? ना, शंका किसी पर नहीं। क्या नाम हुआ आपको? बहुत सुना। और जो मृतक है क्या नाम हो? श्रीकांत। उम्र कितना है उनका? 23 के लगभग है। 23। देखिए 23 साल के वो सेना का तैयारी कर रहे थे, और देश का पुत्र जो है इनका आज निकाल कानूनी जंग न्यूज चैनल से समर कुमार दत्ता की खास रिपोर्ट।